उसकी आंखों की बिनाई जो है वो रोज़ बरोज़ कम होती जा रही है। वो कह रही है कि मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, बड़े बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पे अवेलेबल। बाबा जी से स्पेशली दरख्वास्त, आप उसका जवाब सुन लें और अल्लाह के फजल व करम से इतनी तेज़ी से ये रिकवर करेगी कि इसकी माँ जो डॉक्टर है वो भी हैरान रह जाएगी। सबसे पहले तो ये है, कसरत से दोनों में से कोई एक लफ्ज़ पढ़े, अल्लाह नूरु समावात वल अर्ध या नूर, ये दोनों इस्म अल्लाह के हैं, इसका जिक्र करें कसरत से, रिपीट करें, रिसाइट करें इसको बार बार, और 5 पत्ती ज़ाफ़रान रोज़ खाएं, चाहे पानी में डाल लें, चाय में डाल लें, काफ़ी में डाल लें, शरबत में डाल लें, वैसे खा लें, सालन में डाल लें, ये उनके लिए फ़र्ज है उस बच्ची के लिए। 5 पत्ती ज़ाफ़रान रोज़ खाएं, थोड़ी सी सौंफ रोज़ खाएं, कच्ची सौंफ, अगर कच्ची ना मिले तो मीठा चढ़ा हुआ मिल जाता है वो खाएं, और 2 अंजीर रोज़ खाएं, क्योंकि उसमें कब्ज़ की टेंडेंसी है, कब्ज़ की टेंडेंसी से नसें और वीक होती हैं, आदमी जब ज़ोर लगाता है रफा हाजत के लिए तो उसकी जो सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है वो आँखों की वेनों पे पड़ता है, जो छोटी छोटी बारीक सी वेनें होती हैं, तो अंजीर ज़रूर खाएं ताकि उन्हें कब्ज़ की शिकायत ना हो। ये करें, अल्लाह के हुक्म से वो हैरान रह जाएंगी, बच्ची ऐसे ठीक हो।